सो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान और जियो गीगा फाइबर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। पर्सनली दोस्तों, मैं यूज़ करता हूं एयरटेल का। यहां पे एयरटेल और जियो का पूरा मैं प्लान बताऊंगा, यानी कि ये किस तरह से काम करते हैं, आप लोगों को किस तरह से मुहैया कराते हैं, जिससे कि आप लोगों को मतलब कि बिल्कुल निचले स्तर पे जो आप लोगों को रियलिटी समझ में आए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जियो की बात करते हैं। तो जियो क्या है दोस्तों, कि आप लोगों के सामने प्लान तो सब कुछ मेंशन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है कि क्या क्या प्लान्स आप लोगों के लिए जियो गीगा फाइबर की मदद से मिल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो इसका काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है वो है 1 Gbps तक की स्पीड, और दूसरा यहाँ पे कि आप लोगों को फ्री में 4K LED TV दे रहा है, और आप लोग विदेशों में कॉल कर सकते हैं केवल 500 रुपये के रिचार्ज से। और आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है एक फ़ोन जो आप लोग किसी भी नेटवर्क पे बिना किसी चार्ज की कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे कई सारे सब्सक्रिप्शन ऑफर दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकते हैं। कोई भी मूवी रिलीज होती है तो आप लोग जियो गीगा फाइबर का फॉरएवर प्लान लेते हैं तो आप लोगों को अगले दिन वो मूवी आप लोगों के टीवी पे दिखाई देगी। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को जियो गीगा फाइबर की तरफ से मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जियो गीगा फाइबर के प्लान्स 699 से स्टार्ट होते हैं और लगभग ये 10,000 तक को छूते हैं, जिसमें आप लोगों को 100 Mbps की स्पीड से लेकर के जो इनका मिनिमम स्लैब है 100 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक की स्पीड जाती है। ये तो है आप लोगों का जियो का पूरा प्लान। अब ये लोग जमीनी स्तर पर कैसे काम करते हैं उसको समझिए, उससे पहले आप लोग एयरटेल को भी थोड़ा समझ लीजिए। एयरटेल का प्लान है दोस्तों 800 से 799 से प्लान है, और अलग अलग के लिए अलग अलग, कॉर्पोरेट के लिए अलग है, और इसी तरह से जियो में भी है, कंपनीज के लिए अलग है, इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, होम के लिए अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को दोनों में मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एयरटेल के स्पीड की, तो ये स्पीड देता है 40 Mbps से इसका स्टार्टिंग है, और ये भी लेकर के जाता है लगभग 400 से 800 तक। ठीक है, कहता है कभी जा नहीं पाता है। और जियो का देखा गया है कि 1 Gbps तो नहीं, लेकिन आप लोगों को 100 तक टच कराया है। जो भी इंटरनेट पे चीज़ें उपलब्ध हैं जिन्होंने स्पीड टेस्ट करके दिखाया है, मेरे पास तो नहीं है, मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को कंपैरिजन जरूर दिखाऊंगा। इसका भी स्पीड टेस्ट आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों लगभग 3500 का प्लान यूज़ कर रहा हूँ, 3500 का प्लान यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अनलिमिटेड डेटा का प्लान है। इसमें क्या है कि 300 GB मुझे मिलता है, 300 GB के बाद स्पीड कम हो जाती है। अभी फ़िलहाल मेरे 300 GB उपलब्ध हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीड कितनी आ रही है, ये आप लोगों का फाइबर प्लान का स्पीड है, फाइबर मेरे यहाँ लगा हुआ है। अब इसके ओवर होने के बाद दोस्तों कंपनी का कहना है कि 10 से 12 Mbps की स्पीड मिलेगी डाउनलोडिंग, और अपलोडिंग लगभग यहाँ पे 10 Mbps की मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का एयरटेल काम कर रहा है। बाकी बात आती है कि हम इन दोनों में से कौन सा लें, दोनों में से कौन सा लेने की बात आती है, उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को एयरटेल के साथ क्या क्या मिल रहा है। एयरटेल के साथ आप लोगों को Z5 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, Amazon प्राइम 1 साल तक का मिलेगा आप लोगों को, Netflix आप लोग देख पाएंगे, यानी कि अगर आप लोग इस तरह के जो शोज वगैरह हैं देखते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप लोग एयरटेल के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनको आप जियो में भी देख सकते हैं, ठीक है, रिचार्ज करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्लान उतना ही मिल रहा है और एयरटेल में महंगा मिल रहा है, तो आप लोगों को लेने से क्या फ़ायदा कि आप लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है भैया कि आओ ले लो अमेज़ॉन प्राइम, आओ ले लो यहाँ पर नेटफ्लिक्स, आओ ले लो G5 का पूरा 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। अगर वही चीज़ आप लोग जा करके जियो के साथ प्लान सस्ता मिल रहा है 2-3 हज़ार रुपये, तो आप लोग पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से सोचिएगा, अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है तो आप लोग ये काम कीजिएगा। बाकी पर्सनली मेरी क्या इच्छा है कि आप लोगों को कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखिए पर्सनली अगर मैं दिल की बात बताऊं तो मैं खुद जियो गीगा फाइबर का वेट कर रहा हूं कि मेरे एरिया में आए और मैं सबसे पहले कनेक्शन लूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जियो गीगा फाइबर की जो स्पीड है वो 100 Mbps की है शुरुआती स्पीड। अगर 100 Mbps नहीं भी दिया तो मेरा 50 Mbps से काम चल जाना है। ठीक है, और अगर हम लोग प्राइजेस की बात करते हैं तो प्राइजेस भी आप लोगों को काफ़ी किफ़ायती मिल रही हैं, तो आप लोग एक बार को जियो गीगा फाइबर को जरूर सोचिएगा। अगर आप लोगों के एरिया में है तो आप लोग ले सकते हैं। अलग अलग एरिया में दोस्तों अलग अलग तरीके का प्लान है एयरटेल का।
जैसे कि आप लोग अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हो सकता है अलग प्लान हो, और जो मैंने 3,500 वाला प्लान बताया हो उसमें आप लोगों को ज़्यादा डेटा मिल रहा हो, जैसे कि मुझे 300 GB मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को 500 GB डेटा मिल रहा हो और स्पीड भी आप लोगों को ज़्यादा मिल रही हो। वैसे ही यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ 300 GB मिल रहा है और स्पीड भी मुझे कम ही मिल रही है, मैंने अदर रीज़न से कंपेयर करा है। अब इसकी काम करने का तरीका क्या है एयरटेल का दोस्तों, कि एयरटेल उन लोगों को बांटती है डीलरशिप, जैसे कि एफिलिएट कर देती है। जैसे कि मैंने एक कोई कंपनी बनाई, कंपनी को रजिस्टर कराया, अप्लाई किया कि हाँ मुझे यहाँ का इसका एरिया दे दो, मैं यहाँ पे जितने भी होंगे कनेक्शन मैं देखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का एयरटेल का ब्रॉडबैंड काम करता है। अब जियो का क्या है, कि जियो क्या काम कर रही है कि ये अपना खुद फाइबर बिछा रही है, जिस भी कंपनी से इनका टाई अप हुआ है उससे आप लोगों का इनका टाई अप चला आ रहा है, जमीन के नीचे इनके वायर हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को यहाँ पे प्लान सस्ते मिलने का, इनके ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यानी कि जो यहाँ पे है वो केवल एक ही कंपनी है, वही आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो भी आप लोगों के एरिया में है। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा पैसा खाते हैं एयरटेल वाले में, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो लगभग 3,000 के प्लान में जो मुझे दे रहा है लगभग उसे 800 से 900 का फायदा होता होगा, ठीक है, 800 से 900 केवल मेरी तरफ से उसको बचता होगा। अब जियो में क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको यहाँ पे 100 से 200 रुपए बचेगा अगर मैं उससे 800 का भी प्लान लेता हूँ या फिर 5,000 का भी प्लान लेता हूँ, इससे ज़्यादा का उसको नहीं बच पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 वो कमा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आप लोग कह सकते हैं कमीशंस ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोगों के एयरटेल के प्लान्स में वैलिडिटी भी कम है और साथ में आप लोगों को पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा एयरटेल के साथ और जियो के साथ, तो अभी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा नहीं है, अगर होता है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बाकी जिस तरह की स्पीड दे रहा है, जिस तरह से लोग शो कर रहे हैं अपना स्पीड टेस्ट करके, उस तरह से देखा जाए तो जियो अभी फिलहाल बेस्ट है एयरटेल ब्रॉडबैंड से। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा कंपैरिजन ओवरव्यू मिल रहा है। अगर आप लोग प्राइस की बात करते हैं तो मैं एयरटेल की प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं इनके। अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर सजेशन हो तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर उनका भी कन्फ्यूजन है भैया कि जियो गीगा फाइबर लें और एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान लें, कौन सा लें, उनको ये सलूशन मिल जाएगा। बहरहाल जियो के सामने किसी को सलूशन चाहिए ही नहीं, उनको जियो ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।